हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ में रेखाएं एवं कोण पढ़ेंगे, मतलब लाइन और एंगल। तो फ्रेंड्स, अगर हम ज्योमेट्री, मैथ की ज्योमेट्री की बात करें, ये ज्योमेट्री का पार्ट है। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो एक तो पेपर में आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं, और रेखाएं एवं कोण ये एकदम बेसिक है ज्योमेट्री का। तो चलिए हम पहले छोटी छोटी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं, जो कि आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन बताएंगे संपूरक कोण की, मतलब संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण क्या होते हैं? अगर दो कोणों के बीच का योग, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई दो एंगल दिए हुए, मान लीजिए ये x डिग्री और ये y डिग्री है। इन दोनों का अगर हम योग करें, इन दोनों कोणों का अगर हम योग करें, तो इनका अगर योग 180 डिग्री आए, तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूरक कोण या फिर कोटिपूरक कोणों की। तो अगर किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है, तो ऐसे कोण को हम पूरक या कोटिपूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक ये कोण है और एक ये कोण है, इसकी वैल्यू 8 डिग्री और इसकी 20, हमने इन दोनों कोणों को जोड़ा और इन दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ गया, तो ऐसे कोणों को हम पूरक या कोटिपूरक कोण कहते हैं। पूरक या कोटिपूरक कोण। फ्रेंड्स, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक्स है, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एंगल पूरक कोण संपूरक कोण से डायरेक्ट डेफिनेशन भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। चलिए अब हम एक और चीज की बात करते हैं। अगर किन्हीं दो कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रही हैं, या फिर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं, मतलब सम्मुख कोण का मतलब उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे ये मान लीजिए x डिग्री और ये y, तो इसमें x डिग्री जो है वो y के बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ पे a और यहाँ पे b, तो a जो है वो b के बराबर होगा। तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? सम्मुख कोण कहते हैं। आपसे ये चीज पेपर में डायरेक्ट भी पूछ ली जाएगी कि ऐसे किन कोणों को हम सम्मुख कोण कहते हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे काट रही हो, तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? सम्मुख कोण कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं। पहली बात तो ये समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे से मिलती नहीं है, ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे इस तरीके की रेखाएं, इनको हम क्या कहेंगे? आपस में ही कैसी हैं? समांतर रेखाएं। ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ना एक दूसरे से कभी मिलेंगी। तो चलिए आगे करते हैं। अगर किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है, तो इनके एंगल्स, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं, मतलब x डिग्री, y डिग्री, a डिग्री, b डिग्री, तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। मतलब ये वाला जो x है, ये किसके बराबर होगा? y के। और ये a जो है वो किसके बराबर होगा? b के। तो ऐसे कोणों को हम एकांतर कोण कहते हैं। मान लीजिए आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
ऐसे आपको एक डायग्राम दे दिया और यहाँ पे 45 और यहाँ पे 55 लिख दिया, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से दो कोण एकांतर कोण है, तो आपको इसका आंसर क्या होगा, 45 और 55 आपस में एकांतर कोण है। इसी में अगर हम बात करें समांतर रेखाओं में ही एक एकांतर कोण होता है, इसी तरीके से इसमें हम बात करेंगे संगत कोणों की। तो अगर किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है और उनके एक ही साइड के, मतलब जैसे ये ए डिग्री और ये बी, ये एक्स और ये वाई, अगर ये एक दूसरे के बराबर हैं, जैसे ए बराबर है बी के और एक्स बराबर है वाई के, तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम इन्हीं समांतर रेखाओं में एक और प्रकार की बात करें, समांतर रेखाओं में जो अंतः कोण होते हैं, मतलब जो एक साइड के कोण होते हैं, उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जरूरी बातें। मान लीजिए ये बी सी और डी, एम और एन, अगर हम इसमें देखें तो एक ही साइड के कोण, यानी कि एम ए और यहाँ पे मान लीजिए कुछ ओ है, तो एम ओ और ए और एम ओ बी, इन दोनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। एम ओ ए और एम ओ बी का कैसा होगा, 180 डिग्री होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी ज्योमेट्री की बहुत बेसिक लेकिन बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण बातें। तो आगे हम बात करेंगे त्रिभुज की, चतुर्भुज की। तो फ्रेंड्स, थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उनके वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।